ही पर इतनी गंदी लड़की है, ऐसे बोला इसने। वेलकम बैक एंड आई एम हियर विद अ न्यू व्लॉग। और मेरे थोड़ा लुक में चेंज आपको दिख रहा होगा, मैंने ये अपनी खेती गायब कराई। बाय द वे मेरे साथ अरसलान है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है ये, हम क्लास सेकेंड से साथ में पढ़ रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हम जामिया में भी, ऑल दो हमारा डिपार्टमेंट अलग है बट हम साथ में हैं जामिया में भी। और अभी फ़िलहाल मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टूर कराने के लिए आपको आया हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टूर इसलिए कराने के लिए आया हूँ क्योंकि अरसलान भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या होगा कि मतलब कोई मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड मेरे साथ हो इस ब्लॉग में। और आपको दिखाते हैं यहाँ का जामिया का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट जो भी कोर्सेज होते हैं, सीएससी, मैकेनिकल इंजीन, और क्या नाम है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी एरोनॉटिक्स भी है, एरोनॉटिक्स भी है, और बाकी काफ़ी रेप्यूटेड है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स जाती हैं इसकी। तो अरसलान तुम बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो यहाँ बहुत अच्छी रही, मतलब मोस्टली बच्चे यहाँ प्लेस्ड हो गए हैं और एवरेज पैकेज 8-9 लाख एज्यूम कर सकते हैं, 9 लाख के आसपास यहाँ की एवरेज पैकेज जाती है। और अरसलान का भी कॉन्ग्रेचुलेशन इसको, इसका अभी प्लेसमेंट लग चुका है और अभी इसके फाइनल कुछ एक आध प्रोजेक्ट्स रह रहे हैं, तो ये भी मतलब वो प्रोजेक्ट्स देने के बाद हम दोनों साथ में ही ग्रेजुएट होंगे। बट मेरा 1 साल का, मतलब मेरा 3 साल का कोर्स था, इसका 4 साल का कोर्स था। बाकी चलिए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसमें बस केवल 5 कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो जामिया कॉलेज से फॉर्म भरते हैं, बट इसमें जो एडमिशन होता है वो जेई के मार्क्स के थ्रू, जेई मेन्स के मार्क्स के थ्रू होता है। बाकी बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो कैंटीन है वो जामिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा है। और यहाँ की फीस भी कंपैरेटिवली बाकी बस 10,000 है, मतलब फॉरेन का बहुत ही कम है यहाँ पे फीस जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके कंपैरिजन। और यहाँ की जो कैंटीन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले जो मतलब तूफान आया था पेड़ गिरने की वजह से अभी फ़िलहाल कैंटीन बंद है। तो बस यही है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आप लोग को आना है तो फॉर्म भरिए जल्दी से। और गेट नंबर 1 जामिया का, मतलब सबसे पहला जो गेट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही है। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट वगैरह यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बिल्डिंग्स की, और यहाँ पे पीछे ये एयरक्राफ्ट आप देख ही रहे हैं, ये शायद मॉडल एयरक्राफ्ट है, गवर्नमेंट ने दिया होगा या फिर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो रिटायर हो जाते हैं प्लेन्स वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में दे दिए जाते हैं, बट मैं श्योर नहीं उस बारे में। अभी फ़िलहाल हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि कैंटीन खुल गया है या नहीं। ये जो पेड़ गिरे थे कुछ दिनों पहले इसकी वजह से थोड़ा कुछ स्टॉप हुए हैं यहाँ पे। का कैंटीन है वो जो सिर्फ दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा कैंटीन है अंदर से भी, बट लॉकडाउन के बाद से ये फंक्शन में नहीं है और अभी फ़िलहाल पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं। पीछे जो ब्लॉक है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम भी है इसके ऊपर, रीडिंग रूम है, और यहाँ पे बुक इशू वगैरह कराते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे जो भी होते हैं। बाकी मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी का तो आपको दिखाया था, बट
एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट की ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। तो आइए, आप यहाँ लाइब्रेरी आपका इंतज़ार कर रही है, आप में से जिसको भी एडमिशन लेना है। बाकी बहुत ही अच्छा कैंपस है, ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और हाँ, वो एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट है जहाँ जिसके सामने गाड़ी खड़ी हुई है। और ओवरऑल यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मुझे जब हम क्लास 6-7 में बुक रीडिंग के लिए मैम उठाती थी तो ये किताबें भी नहीं पढ़ता था, और बहुत मुश्किल से जिसने ब्लॉग में कुछ बोला है। तो शो योर लव सपोर्ट फॉर मी एंड ऑफ कोर्स इसने जो भी बोला है उसके लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर जामिया के किसी अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।